अपूर्वानंद जी, ये एक तरह की दूसरी बाइनरी हम देख रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं अपूर्वानंद जी? जी, कि अब ये ईश एक भगवान है और उनके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जो दूसरों पर किसी भी भाषा में बात करें, जैसे आज ओवैसी के बयान पर गिरिराज सिंह कहते हैं उनका डीएनए जिन्ना से मिला हुआ है। अब अगर यही चीज कोई मुस्लिम नेता मोदी जी के बारे में कह दे कि इनका डीएनए गोडसे से मिला हुआ है, तो कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। जी, मसला सिर्फ यह नहीं है और यहाँ तक नहीं रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की आलोचना अब ईश निंदा की तरह देखी जा रही है और आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बरक्स कई उदाहरण लाकर आपके सामने रख दिए जाएंगे कि देखिए यह कार्टून है, यह वक्तव्य है और इस पर तो कुछ नहीं किया गया। देखने की बात यह है कि उस ट्वीट पर असम में कोकराझार में किसी एक ने एक शिकायत दर्ज कराई है और उस शिकायत पर असम पुलिस ने जिस तत्परता के साथ कार्रवाई की, यानी वह असम से गुजरात पहुंची, गुजरात में आधी रात के आसपास गिरफ्तारी की, FIR दिखाने की जरूरत महसूस नहीं की, एक जनप्रतिनिधि को गिरफ्तार किया गया बिना FIR दिखाए और वहां से ट्रेन में बिठाकर, जहां तक हमें जानकारी है, शायद उनको असम लाया गया या फ्लाइट में लाया गया, मुझे मालूम नहीं, और आज 3 दिनों की के लिए उनको भेज दिया गया है जेल में, यह मालूम हुआ। और यह पूरी तरह से इसके लिए शब्द नहीं है, हम सब लोगों को यह स्तब्ध कर देने वाली घटना है और इस पर सबको ही चिंता होनी चाहिए कि इसका मतलब यह है कि भारतवर्ष से कानून का राज खत्म हो गया। जिस अदालत ने जिग्नेश मेवाड़ी को 3 दिन के लिए जेल भेज दिया है, क्या उस अदालत ने वह शिकायत देखी है जो शिकायत जिग्नेश मेवाड़ी के खिलाफ की गई है? जिग्नेश मेवाड़ी के ट्वीट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे कहा जा सके कि इससे शांति भंग होने की आशंका है। वह एक नेता की आलोचना है, हो सकता है बहुत सख्त हो सकता है गोडसे भक्त कहने पर किसी को बहुत आपत्ति हो, लेकिन उससे सामाजिक शांति कैसे भंग हो जाएगी, उससे सामुदायिक विद्वेष कैसे पैदा होगा? अगर मेवाणी को, जिग्नेश को जेल भेजने के पहले उस जज ने इन चीजों पर विचार नहीं किया या विचार करने की जरूरत ही महसूस नहीं की, तो फिर न्यायपालिका का अर्थ ही समाप्त हो गया। यह हमारे लिए ज्यादा चिंता का विषय है। इस पूरी घटना के इस पक्ष को हमें ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि यह दूसरी चीजों से जुड़ता है, जैसे दिल्ली में जहांगीरपुरी में बुलडोजर का पहुंच जाना, या उसके पहले खरगोन में बुलडोजर से मुसलमानों के घर गिरा दिया जाना। जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी लगभग वही चीज है। आप कौन सी प्रक्रिया अपना रहे हैं? क्या विवेक है, क्या तर्क है? जैसे परसों जहांगीरपुरी में हिंसा हुई और उसके बाद कल सुबह वहां बुलडोजर पहुंच गए, परसों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मांग की कि जो जिन्होंने हिंसा की है, जो दंगाई हैं, उनके घर गिराए जाएं, बाकायदा मांग की गई, और उस मांग के बाद नगर निगम ने बुलडोजर वहां खड़े कर दिए और पुलिस की मौजूदगी में घर गिराना शुरू कर दिया। उसके पहले सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि आप पर्याप्त सूचना देंगे, कोई सूचना नहीं, कुछ भी नहीं, और ये नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं और ये हमारे सिविल प्रशासक हैं, ये ध्यान रहे, पुलिस प्रशासक हैं, इनको इनका जिम्मा है संविधान की रक्षा करना। मेरे लिए ज्यादा चिंता का विषय ये है कि इसका अर्थ ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी, पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका में फर्क मिट चुका है और ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के कोई उसकी आप कहें हथियारबंद फौज में तब्दील हो गई है, कोई उसको अनुशांगिक संगठन बन गए सर, उसके संगठन बन गए, उसका विस्तार बन गए, और भारतीय राज्य ने एक तरह से पूरी तरह से, राज्य का मतलब क्या है? राज्य का मतलब है न्यायपालिका, राज्य का मतलब है कार्यपालिका, राज्य का मतलब है प्रशासन, पुलिस, इन सब ने अपना विलय कर दिया भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। यह मेरे लिए ज्यादा चिंता का विषय है।
और सबके लिए होना चाहिए।